हेलो नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी बॉडी के लिए सुबह का नाश्ता क्यों जरूरी होता है? ब्रेकफास्ट दो शब्दों को मिलाकर बना है, ब्रेक प्लस फास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है उपवास को तोड़ना। रात के सोने के बाद सुबह तक हमारी बॉडी को कोई भी फूड नहीं मिलता, जिससे कम से कम 10 से 12 घंटे हम फास्टिंग मोड में रहते हैं। तो बात करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए सुबह का नाश्ता क्यों जरूरी होता है। सुबह का नाश्ता हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। वर्किंग लोगों के लिए और भी जरूरी होता है कि वो सुबह का नाश्ता जरूर करें। हमें काम के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, वो चाहे डेस्क वर्क हो चाहे वो फील्ड वर्क हो। बिना नाश्ता किए बिना हम अपने काम पर ना ही फोकस कर पाएंगे, ना ही कोई क्रिएटिविटी कर पाएंगे। इसीलिए हमें सुबह का नाश्ता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सुबह के नाश्ते में हम अंडा और अंकुरित दालें खा सकते हैं। अंडे में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन प्रोटीन होता है, जो हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है और हमारे वजन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। बात करते हैं अंकुरित दालें। अंकुरित दालों का सेवन हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करता है। खास करके मूंग दाल हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मूंग दाल में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। सुबह का नाश्ता इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे हमें दिन भर कैलोरी बर्न करते रहते हैं और एनर्जिक रहते हैं। अगर हम सुबह का नाश्ता करना भूल जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है और हम अपना टास्क भी पूरा नहीं कर पाते। फिर यही से तनाव और डिप्रेशन की समस्या शुरू हो जाती है। अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो इससे हमें डायबिटीज़ होने का जोखिम भी नहीं होता है और ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। हम हर 2 घंटे में फल या फिर अनाज या फिर लीन प्रोटीन खा सकते हैं। हम पूरा दिन ग्लूकोज के उधर चढ़ाव से भी बच सकते हैं। जब हम घर से हेल्दी खाना खाकर निकलते हैं तो इससे मोटापे पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जब हम घर से खाना खाकर निकलते हैं तो इससे हमें भूख भी नहीं लगती है और ओवर ईटिंग करने से भी बच जाते हैं। सुबह का नाश्ता करने से कॉग्निटिव फंक्शन भी बेहतर होता है। इससे अगर हम सुबह का नाश्ता छोड़ देंगे तो इससे हमारे बौद्धिक विकास स्तर पर भी असर पड़ता है और दिमाग ठीक से काम नहीं करता और हमारी सीखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हम हर टाइम थका हुआ महसूस करेंगे और हमारी नींद भी, अगर हमारी नींद पूरी हो गई है तो उससे भी हमारी नींद पर फर्क पड़ेगा और हमें थकान जैसी महसूस होगी। अगर हम नाश्ता छोड़ देंगे तो हमारी ऊर्जा का स्तर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होगी और जिसका सीधा असर हमारी लाइफ पर पड़ता है। तो इसलिए सुबह का नाश्ता ना छोड़ें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हेल्थ से रिलेटिव वीडियो जानना चाहते हैं तो मैंने एंड स्क्रीन में अपनी प्लेलिस्ट लगा दी है, आप जाकर उसमें से फुल वीडियोस देख सकते हैं।